हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी मैं हमारे रूम में हूँ और मैं जा रही हूँ किचन में। क्यों? क्योंकि मम्मी ने मुझे चैलेंज दिया है कि आज शाम की जो स्नैक टाइम होता है वहाँ पे तो कुछ बनाना, पर वो हेल्दी होना चाहिए और घर के इंग्रेडिएंट से ही जो भी अवेलेबल है उससे बनाना चाहिए। तो आज मैं वही बना रही हूँ। रोज हम कभी ना कभी स्नैक्स में कुछ अनहेल्दी खाते, तो आज हेल्दी खाना है और टास्क ये होगा कि जो घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है उसी से बनाना है। तो मैंने कुछ सोचा है तो वही मैं बना रही हूँ। पीछे आपको आवाज आ रहा होगा क्योंकि मम्मी टीवी देख रही है। तो चलिए चलते हैं किचन में। सो गाइस, मैं किचन में आ चुकी हूँ और अभी मैंने तैयारी कर ली है, तो आप देख लीजिए। सो गाइस, ये देखिए सब्जियां, यहाँ पे सूजी और दही, आपको आइडिया आ ही गया होगा मैं क्या बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे हमारा मिक्सिंग बोल। सो चलिए मैं फटाफट से सब्जी काट लेती हूँ। सो गाइस, फाइनली तैयारियां हो चुकी है। तो ये देखिए आप, मैंने सब्जियां काट ली हैं और बाकी की सारी चीजें भी तैयार है, तो मैं दिखाती हूँ आप। सो गाइस, ये देखिए हमने यहाँ पे पत्ता गोभी ले ली है, प्याज, मिर्ची, गाजर, ककड़ी और टोमेटो, साथ में यहाँ पे हमारी सूजी और दही। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए। तो चलिए अभी हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिक इन्ग्रीडियंट से ये बन जाता है। तो चलिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सूजी ली है, तो इसे सबसे पहले डाल देते हैं। ये एक कप है और अब इसमें मैं दही डाल रही हूँ और इसे अब हम अच्छे से मिला लेते हैं। सो गाइस, अभी हम इसमें सारी सब्जियां डाल देते हैं। सबसे पहले मैं डाल देती हूँ प्याज, अब हम डालते हैं पत्ता गोभी और अब हम डाल देते हैं टोमेटो, हरी मिर्च, काकड़ी यानी ककड़ी और गाजर। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम डाल देते हैं इसमें पानी। सो गाइस, अभी हम थोड़ा ही पानी डालेंगे क्योंकि सब नमक डालने के बाद सब्जियां पानी छोड़ेगी। तो ये देखिए काफी थोड़ा पानी डाला है मैंने और अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो ये देखिए, और इसे मिला लेते हैं, फिर इसे हम भिगोने छोड़ देंगे। तो गाइस, इसे हम आधा घंटा भिगोने रख देते हैं तो सूजी फूल जाएगी और सब्जियां भी जो पानी है वो एक्स्ट्रा छोड़ देगी। तो आपको मिलते हैं आधे घंटे बाद। सो ये देखिए गाइस, सो गाइस मिश्रण मैंने भिगोने रख दिया है यानी सूजी फूलना छोड़ दी है।
तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमने क्या क्या यूज़ किया है। मैंने बारीक सूजी यूज़ किया, तो सबसे पहले एक कप सूजी डाली मैंने, उसमें आधा कप से भी थोड़ा सा कम दही डाला है, फ्रेश दही है, ये खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पहले अच्छे से मिला लिया, फिर उसमें अपनी सब्जियां डाल दी। तो मैंने आज, आप कोई सी भी सब्जी अपने मनपसंद की यूज़ कर सकते हैं। मैंने आज पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, ककड़ी, गाजर और हरी मिर्च डाली है। तो ये सब डालने के बाद अच्छे से मिला लिया और बिल्कुल थोड़ा पानी डाला है, लगभग आधा कप, क्योंकि सब्जियां नमक डालने के बाद अपना पानी छोड़ेगी और स्वाद अनुसार नमक डाल के भिगोने छोड़ दिया है। अब आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे। तो ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी, आप सोच रहे मम्मी कहाँ पे है, तो ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। और शाम अक्सर हम सैंडविच या पकौड़े या कुछ भी जो कि अनहेल्दी होता है रोज़ रोज़ नहीं बना सकते, तो ये जो रेसिपी वो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी, तो वो भी बनाएंगे। तो और आज ये स्पेशली मैंने बनाई क्योंकि मम्मी ने चैलेंज दिया था, और सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि दही भी और सूजी भी है तो कुछ वेजिटेबल्स डाल के बनाते हैं। तो अभी हम मिलते हैं आपको आधे घंटे बाद। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज में वो भी ये रेसिपी ज़रूर बना सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए पाल मैंने ऊपर बांधे क्योंकि गर्म काफ़ी हो रहा है, तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, आप चाहे तो ये जो हमारा जो उत्तप्पा है या जो रवे का हम जो बना रहे हैं वो आप चाहे तो सॉस या अचार के साथ खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चटनी बना रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। सो गाइस, चटनी के लिए सबसे पहले हम लेंगे मूंगफली, ये कच्ची मूंगफली है, इसे हम डाल देंगे। और ये हमने नारियल खिसा हुआ है तो इसे सुखाया हुआ था, तो ये डाल देंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे हरी मिर्च, ये थोड़ी सी लाल हो गई है, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी सी चीनी, और सबसे पहले इसे हम ड्राई बारीक कर लेंगे। गाइस ये देखिए ड्राई हमने बारीक कर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे अब हम पेस्ट बना लेते हैं। सो गाइस हमारी चटनी बनके तैयार है। सो गाइस अब हम इसे चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए इसने पानी छोड़ दिया है, तो इसे अच्छे से मिला कर लेते हैं। तो अभी हमें थोड़ा पानी लगेगा, तो ये देखिए हम थोड़ा पानी डाल रहे हैं। सो गाइस ये देखिए इतना टेक्सचर होना चाहिए बनकर। सो गाइस अभी हम इस पे तेल डाल देते हैं थोड़ा सा, और तेल गर्म हो जाने के बाद, तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे राई, और इसे चटकने देंगे, और थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे, और थोड़ा सा हींग। और गाइस अब हम इसमें डाल देते हैं अपना ये मिक्सचर, और इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो गाइस ये देखिए हमारा यहाँ पे बन रहा है, और अभी हम मम्मी से पूछते हैं। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे बना रही थी, और अभी हम मम्मी को पूछ रहे हैं। तो मम्मी हाय। हाय। तो मम्मी यहाँ पे मैं क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें चैलेंज दिया था, उससे हेल्दी और वेजिटेबल चीला बनाना था, यानी मुझे घर के अवेलेबल इंग्रेडिएंट से कुछ बनाना था। तभी आपको हम टेस्ट करने देंगे ये होने के बाद, तो आपको बताना है कैसा हुआ है, सच सच बताना है, अच्छा होगा तो भी और नहीं अच्छा होगा तो भी। सो गाइस इसे हम चेक करते हैं, अभी लगभग 3 से 4 मिनट हो गए। देखिए गाइस ऊपर का सूख गया है, इसे हम पलट देते हैं। और साइड से थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। गाइस यहाँ पे चीला बन रहा है। सो गाइस हमारा चीला बन के तैयार है, इस पे हम डाल देंगे घी। गाइस बिल्कुल भर भर के घी डाला, और यहाँ पे हमारी चटनी रेडी है, तो अभी हम मम्मी को सर्व करते हैं। सो गाइस हमारी प्लेट तैयार है। सो गाइस ये अभी हम मम्मी को लेके जाते हैं, उनसे रिव्यू बताते हैं। तो गाइस ये देखिए अब हम मम्मी के पास जा रहे हैं, उन्हें प्लेट दे रहे हैं, तो मम्मी आपको टेस्ट करके बताना है। सो मम्मी अभी टेस्ट कर रहे हैं, कैसा बना है? बहुत अच्छा। टेस्ट कैसा है? सब परफेक्ट है? सब कुछ परफेक्ट है?
तो गाइस देखिए मम्मी से रहा नहीं जा रहा है, तो चैलेंज जीत गई। सो गाइस अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ, तो ये देखिए मम्मी खिला रहे हैं। सच में बहुत अच्छे बने, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये चैलेंज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।